पहला प्रॉब्लम यह है कि सिग्निन इश्यूज हो रहा है दोस्तों, मतलब गेम ओपन करते मतलब सिग्निन करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी मतलब नेट ऑन कर गेम ओपन करता हूँ तो इधर पूरा गेम पूरा स्टक हो जाता है। जब तक मैं मतलब मेरा नेट ऑफ़ कर रहा हूँ तब तक मतलब ऐसे ही स्टक करके रहता है। अगर आपको भी मतलब इस तरीका का इश्यू है तो आप नीचे कमेंट कर दिए। तो दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम यह है कि मतलब इसमें बीटा वर्शन में हम माई क्रिकेट और NPL वुमेंस क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट मतलब ये सब हम नहीं खेल सकते, सिर्फ और सिर्फ क्विक मैच खेलने को मिलता है दोस्तों। मतलब जब तक हमको पूरा वर्शन नहीं मिलता तब तक मतलब यही खेलना पड़ेगा क्विक मैच। तो दोस्तों चौथा प्रॉब्लम यह है कि मतलब प्लेयर लोगों का नाम मतलब अलग ही है, मतलब कि प्लेइंग 11 में नहीं है, मतलब दूसरा नाम है। मतलब जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया का टीम में देखते हो तो उन लोगों का प्लेइंग 11 ठीक है, लेकिन हमारा नाम मतलब अलग ही है। और चेंज करने के लिए भी मतलब ऑप्शन भी नहीं दिया है दोस्तों। मतलब इंडियन प्लेयर लोगों के साथ मतलब खेलने में कुछ अलग ही मज़ा आता है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों जब भी मैं टेल लेता तो हेड आता, हेड लेता तो टेल आता, मतलब आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं बॉलिंग की, मतलब बॉलिंग इश्यूज़ की। और बॉलिंग इश्यूज़ में ये है कि WCC 2 में हमको मतलब जैसे कि बॉलर का 100% हो जाता है तो रिवर्स स्विंग और स्लो बॉल देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इधर हमको ग्रीन टैप करना पड़ता है। मतलब इधर ज़्यादा चांसेस ये बन जाता है कि नो बॉल हो जाता है, मतलब ज़्यादातर हमको रेड में ग्रीन में होने की जगह रेड में टैप हो जाता है दोस्तों। ये थोड़ा सा इश्यू है लेकिन धीरे धीरे हमको सीखने मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फील्डिंग की, और इसमें ज़्यादातर ओवर थ्रो ही हो जा रहा दोस्तों, मतलब बहुत कम मतलब डायरेक्ट थ्रो ये सब हो जा रहा, मतलब ज़्यादा चांसेस है ओवर थ्रो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं बैटिंग की इश्यूज़ और, तो बैटिंग इश्यूज़ में उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है दोस्तों, मतलब ठीक ही है, मतलब कंट्रोल्स कुछ अलग है लेकिन हमको सीखने मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसमें हमको एक खुशखबरी ये है कि मतलब WCC 3 का ओरिजिनल वर्जन आएगा तो उसमें हमको WCC 2 में जैसा कंट्रोल्स मिलते हैं उस तरीके का कंट्रोल्स मिल जाएंगे दोस्तों, उसमें उतना इश्यू नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि WCC 2 में मतलब जैसे हम लेट टाइमिंग करते हैं तो उतना कैच नहीं होता, मतलब कैच छोड़ देता, मतलब कैच नहीं होता, लेकिन इधर WCC 3 में कैच हो सकता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप ग्रीन टैप करेंगे तो आपको कैच मिल सकता है लेट टाइमिंग में भी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ग्राफिक्स की और, तो ग्राफिक्स में मतलब ठीक है लेकिन उतना खास भी नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब WCC 3 मतलब ओरिजिनल वर्जन आएगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमको मतलब ज़्यादा मतलब स्पेस का भी ज़रूरत पड़ेगा और रैम को भी, आप समझ रहे हैं ना, स्टोर ये सब को भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन और भी मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाएगा गेम। मुझे क्या क्या इश्यूज़ हुए ये सब मैंने बताया दोस्तों, अगर आपको भी कुछ इश्यूज़ है मतलब हैंग वगैरह कुछ भी हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।